राधे राधे। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरे पोते ने पूछा है कि गिलहरी के जो लकीरें होती हैं तो क्या साक्षात हैं? जब एक बार राम जी सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए बंदर भालुओं के द्वारा, तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर भर के सेतु में छिड़काव कर रही थी। तो राम जी ने पूछा, गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी बोली, प्रभु आपके लिए सेतु मैं तो पत्थर ला नहीं सकती, लेकिन ये पत्थर बड़े नुकीले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पूरे में बालू डाल दूँ तो आपके पाँव में कोई चुभन ना हो। राम जी रीझ गए उसके प्रेम में, गोद में उठा के उसके हाथ फेरते हैं उसके पीठ में, तो हाथ राम जी की उंगलियों के निशान बनते हुए चले जाते हैं। गिलहरी में जो व्हाइट कलर के तीन लकीरें होती हैं, तीन चार, वो राम जी की उंगलियों के निशान है। अच्छा, मेरे पोते को राधे राधे बोल दो। राधे, मेरे पोते का नाम राघव है और उसका नाम आप, उसने कहा कि मैं राधे राधे हमें बोल दे। बिल्कुल, राघव नाम है। हाँ, मैं कल्याण बॉम्बे से आई हूँ। खुश रहिए राघव जी, राधे राधे, सुखी रहिए। महाराज, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं राम भगवान का छोटा सा भगत हूँ, लेकिन मैं कभी कभी हिम्मत हार जाता हूँ, और लेकिन मुझे भगवान राम पे इतना विश्वास है, मैं आज सबसे छीना ठोक के कहता हूँ कि अगर राम भगवान ने किसी के ऊपर कृपा करी, हनुमान जी के बाद किसी के ऊपर कृपा करी, तो मेरे ऊपर करी। फिर भी मेरा विश्वास क्यों कभी कभी डोल जाता है। मेरा कपड़े का व्यापार है, उसमें मुझे अति घाटा हुआ है, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। आज मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच कर उसको कर्जे को चुकाने के लिए परेशान हो रहा हूँ, और आज मैं इतना परेशान था कि सुबह रोते रोते घर से अचानक ही निकल के आपके चरणों में आ गया हूँ। और मैं दो साल से सोच रहा था कब मैं गौरी गोपाल जाऊँ, कब महाराज जी के दर्शन करूँ, कब मैं गौरी गोपाल जाऊँ। फिर मेरे मन में इच्छा आती थी कि मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊँगा, लेकिन मेरे राम ने आज सुन ली और उन्होंने काली आती मुझे बुला लिया आपके चरणों में। मेरी इच्छा तो है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ भेंट करूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ आप आए श्रद्धा से धन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही गौरी गोपाल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे बिहारी जी, मैं आपको अपने आप को चढ़ाता हूँ। महाराज जी, मैं आपसे इतना चाहता हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दो। चिंता ना करिए, राम भगवान पे बढ़ता जाए बढ़ता जाए, बस ये भगवान सदा आपका मंगल करेंगे। आपकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई भगवान जल्दी से करेंगे। आप सदा खुश रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, और अब आप यहाँ से जाने के बाद बहुत जल्दी अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आप भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे, भगवान सदा आपके संग रहेंगे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम के चरणों में। 7 महीना से मैं आपको काता देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत गौर बरकत भी मिला है, बहुत अच्छा से। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें, खुश रहिए।